अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन हेड कट सीन फ्रॉम द मूवी जेलर ऑफ सुपरस्टार रजनीकांत सर. सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मोनालिना, वेलकम टू माय चैनल रखने वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. सीनू को मारकर आइसक्रीम खा रहे हो? चूक गया, वरना सर उड़ जाता. बचा लिया ना, कितनी बार बचाएगा? दो बार, दस बार, सौ बार बचाएगा? ए, मैं हजार बार मारूंगा तेरे पोते की मुंडी काट के तुझे भेजने तक. मैं चैन नहीं पाऊंगा, समझ गया ना तू? इमांडिया, कुछ रापचिक लगा? Oh shit. वो बेचारा कितना टेंशन में है ना. क्या सर, ऋत्विक ने खाना खा लिया ना? छोटा बच्चा है ना, संभाल के रखना. नहीं वो क्या है, उस दिन जोश में आप कौन हो ये बिना जाने ही मैंने आपके आदमी को मार डाला. मुझे माफ कर देना. हमारे पर्सनल रिवेंज की वजह से मेरे फैमिली पर कोई आ जाए, मैं ऐसा नहीं चाहता. इस मामले को हम यहीं खत्म कर देते हैं. ये गलत है, गलत है, गलत है. स्टार्ट और स्टॉप वर्मा डिसाइड करेगा, ये तू डिसाइड नहीं करेगा. गलती हो गई, मुझे माफ कर दो. अरे रे रे रे, वर्मा के आदमी को मारा और वर्मा ने माफ कर दिया, तो मेरे साथ काम करने वाले फेडअप हो जाएंगे. लेकिन वर्मा के आदमी को मारने वाले के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ये न्यूज पहुंच गई तो मेरे आदमियों को मिलेगा बूस्ट और इंडस्ट्री करेगी डॉक. असरदार है ना सर, अगर मुझे जो काम करने है वो मैं अच्छे से करूंगा, तभी तो सामने वाला अपना काम अच्छे से करेगा ना. कसम से बोल रहा हूँ सर, ये मैं हॉबी के लिए नहीं करता, 100% प्रोफेशनल. मुझे सिर्फ एक अपॉइंटमेंट दो. आपके पैर पड़कर मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ. अरे साहब, आप समझ नहीं पा रहे हो, ये और तरीके में जा रहा है. पैर पकड़ कर पहले दादा मरता है ना, लेकिन तेरे घर में होगा डिफरेंट. पहले जाएगा पोता, फिर पोते की माँ, फिर उस माँ की सास, और फिर उस सास का आदमी, यानी कि तू. जिस दिन तुझे मारने आऊंगा ना, उसी दिन मिलेगा तुझे अपॉइंटमेंट. अब तो समझ गया होगा ना. बाय. क्या करेंगे? क्या
ए रिची, तुझे बोला था ना वो यही है। बचा लिया ना इसने, तभी चौड़ा होके बैठा और हमारे सामने पी रहा है। ए, क्या पोते को बचाने की खुशी में पी रहा है? तो गड़बड़ होने वाली है। मेरे को बोल रहा हूँ बुड्ढे, क्या चबाएगा चले। साले सांस भी ले रहा है कि नहीं, बंद कर देंगे। आगेगा तो छोड़ देंगे क्या? बुड्ढे की हड्डियों में जान आ गई, देख कितना फास्ट चल रहा है। अच्छा ये लोग उसके पीछे पीछे आ रहे हैं क्या? कोई बोल रहे हैं कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। ए बुढ़ो, अबे तेरी पूरी फैमिली की सुपारी मुझे मिली है, तेरे पोते बीवी को तो टपका देंगे, लेकिन तेरी बहू को मारने का मन नहीं कर रहा है यार। वो रात के मक्खन मलाई के माँ भी गया रे। वो मलाई मुझे भी देना। वो बुड्ढा गली में आके अकेला फंस गया रे। ए, सुन ना बुड्ढे। तेरी बहू मलाई है ना? ठीक है, कैसी बातें कर रहे हो? मुझे राजा जी ने भेजा, थैंक यू राजा जी, तो वो मुझे सीन्स भेजते हैं, मैं उस पर रिएक्शन देती हूँ ना, मेरे पास Amazon Prime है, ये अपने दिमाग में डाल लो, फिर आप मुझे जिस तरीके से रिक्वेस्ट करोगे मैं उस सीन्स पे रिएक्ट करूंगी। बट ये खतरनाक सीन था माँ कसम, टाइगर का हुक्म खच्चर क्रेजी। अब देखो बेटा गया, पोते पे नजर भी उठाएंगे तो ये तो छोड़ेगा क्या, फिर ये भी इनको खत्म ही करने वाले है जिस तरीके से वो उसको पीछे पीछे लाता है पहले। और बहू के बारे में कितनी गंदी बातें, शी कैसे लोग है ये, इतनी गंदी बातें कर रहे थे, आपको लगता है फिर छोड़ेगी आपको? हुकुम, टाइगर का हुकुम। पर ये बहुत ही क्रेजी था, ये बहुत ही क्विक था, बहुत ही खतरनाक था। वो ऐसे उसे हाथ डाला पीछे से, इसने चाकू निकाला, खचक खत्म, मुंडी गायब एकदम डायरेक्ट ही खत्म। फिर उसको पूछा क्या बोल रहा था मेरी बहू के बारे में, उसको भी खत्म, उसका उससे भी ज्यादा क्रेजी ये था वो मुंडे वाला। आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था क्या कि ऐसे होगा कि वो मुड़ेगा और वो खचाक लिटरली मुंडे गायब कर देगा? हाय दिस वाज क्रेजी, माय गॉड,
ये लिटरली खतरनाक था। तेरा मेरा रिएक्शन ऑन हेड कट सीन फ्रॉम द मूवी जेलर ऑफ सुपरस्टार रजनीकांत सर। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखते हैं तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो गाइस प्लीज। आपके रिस्पांस पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत नहीं आ ले। बाय।